उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर से लोगों को निजात अभी तक नहीं मिल पा रही थी कि जनपद मैनपुरी के थाना बिछुआ के ग्राम करीमगंज में डेंगू मलेरिया के साथ साथ संक्रामक रोगों ने भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस गांव में अब तक 6 लोगों की डेंगू की कहर से मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी बीमार पड़े हुए हैं। इस गांव के हर घर में चारपाई बिछी हुई है। कई घर ऐसे हैं जहां लोगों को एक दूसरे को पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी को सूचित किया गया, जिसकी सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो उन्होंने पूर्व माध्यमिक विद्यालय के परिसर में कैंप लगाकर डेंगू मलेरिया वायरल आदि खतरनाक बीमारियों की चपेट में आए लोगों का उपचार शुरू कर दिया। करीमगंज में आलम यह है कि 15 दिन के अंतराल में एक के बाद एक लोग डेंगू के कहर से काल के गाल में समा रहे हैं। लोग एक की अंत्येष्टि से निवृत्त नहीं हो पाते, तब तक दूसरे की मौत हो जाती है। गांव में फैली खतरनाक बीमारी का जायजा लेने के लिए मीडिया की टीम गांव पहुंची, जहां देखा कि लोग अपने बीमार लोगों को रिक्शा गाड़ी से ले जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाकर प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का उपचार करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह, चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार पांडे मानने को तैयार नहीं है कि गांव में डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी की महामारी फैली हुई है। ग्रामीणों में आक्रोश है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गांव का जायजा लिया, उसी समय सही जांच की रिपोर्ट देने वाली पैथोलॉजी को सीज कर दिया और अन्य पैथोलॉजियों को हिदायत दी है कि जांच में डेंगू का खुलासा न करें। पैथोलॉजी संचालकों का नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हम लोगों को सीएमओ द्वारा धमकी दी गई है कि अगर डेंगू की रिपोर्ट दी तो पैथोलॉजी सील करा दी जाएगी। आइए आपको रूबरू करवाते हैं इन ग्रामीणों से कि क्या कहते हैं ग्रामीण। मैं माता जी आपका मदर। अच्छा ये बताइए कितने दिनों से बीमार हैं आप? चेक कराया था क्या? कई दिन से बीमार हो। क्या निकला? अच्छा नहीं अभी जो है ना यहाँ पर लेटी हुई हो, तुम्हें क्या बताया गया, कौन सी बीमारी है? मलेरिया की बताई थी। अच्छा ये मलेरिया की, ठीक बीमार हो उसी दिन से पहले। अच्छा कोरोना की मतलब जांच कराई तभी से बीमार हो गई? उसी दिन से बीमार हो गई है। कोरोना डाल करी मैं दीवार को दवाई चली गई। हाँ हाँ सुबह एक दिन रात को बुखार आएगा फिर मेरे उतर होना। अच्छा तो कहाँ कराया था आपने चेक? स्कूल में। अच्छा कब से बीमार हो? 8 दिन हो गए। अच्छा क्या क्या बीमारी टेस्ट कराए थे क्या? हाँ। क्या निकला? पलेटें डाउन हो गई है। डेंगू है? डेंगू बताया? अच्छा तो 15 आज 8 दिन से बीमार हो। कोई चीज खाते ना है। क्या खाती है? तो पलटी हो जाता है। पलटी हो जाती है। चेक कराता है खड़े हो। सर कहाँ पे तैनात है आप? कुचेला में। अच्छा सर आज यहाँ पे जो है करीमगंज में आपका जो है कैंप लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, क्या कारण है और कितने मरीज आपने अभी तक देखे हैं और किस तरह के मरीज आ रहे हैं? अभी तक 40 मरीज देख चुके हैं जो बुखार से पीड़ित हैं। बुखार से पीड़ित हैं उसमें मैं मरीज मिक्सअप है, वायरल है, डेंगू से है, मलेरिया भी है। और यहाँ पे जांच हुई थी 2-3 दिन पहले तो कोरोना के 10 मरीज जो होम आइसोलेटेड है उनको होम आइसोलेटेड किया गया है। गांव में सभी जगह टेम्यूकोस एंटी लार्वा की छिड़काव गली गली में घर घर में किया जा रहा है एवं डीडीटी की छिड़काव की जा रही है। यहां पे कैंप लगा के हम लोग गांव की स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी सीएमओ साहब, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से सीएससी कोरावली पे भी 4 बेड की तैयारी की गई है और जिला अस्पताल पे भी विस्तृत रूप से तैयारी कर दी गई है। सर आपने यहाँ पे जो एक प्राइवेट ये एक विद्यालय परिसर में आपने जो कैंप लगाया है यहाँ पर अब तक कितने लोगों को उपचार दे चुके हैं? हम लोग 3-4 दिन से यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं और डेली 100-125 के लगभग मरीज को देते हैं डेली। अच्छा सर, अच्छा ये सर बीमारी पनपने का क्या मुख्य कारण है, क्यों मतलब ये पनपी हुई है करीमगंज में? एक्चुअली बीमारी पनपने का कारण यहाँ पे साफ सफाई की कमी के कारण हुई सर। लोगों के घर के आगे कूड़ा जमा होना, गांव में विस्तृत रूप से 3 बड़े बड़े तालाब का होना जिसकी निकास पानी की नहीं है और घर की भी जो नाली है उसी में सब निकाला हुआ है, गया हुआ है।
नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।